मतलब ऐसे जैसे कभी कभी ना ये बोरिंग वाले डे सबके साथ आते हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो यार मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा बोर और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, तो इसीलिए मैं कुछ अपनी पागलपंती करते हुए यहाँ पे कुछ स्टार्ट हो गई। तो यार पहले तो मैंने अपने बालों में अच्छे से कॉम कर लिया, अच्छे से बालों को सुलझा लिया ताकि वो कहीं भी इधर उधर मेरे को दिक्कत ना दें। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा, चलिए ये वाले जो मेरे पास कॉम है जिसके जो ये स्पेसिस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो इससे कुछ हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो मैंने ऐसे पहले रफली इसको करने की कोशिश की और उसके बाद यार ये ट्रिक काम आ गई। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बॉब पिन लगाई, ठीक है। तो ये वाला एरिया मेरे को एक आइडिया आया कि अगर जिन लोगों को ये लाइनिंग वाले हेयर स्टाइल नहीं आते हैं वो यहाँ पे स्प्रे करके डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हैं। तो आइडिया था और अच्छा भी बहुत था, हेल्पफुल भी था आप सभी लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर आपको ये हेयर स्टाइल परमानेंट चाहिए, मीन्स अगर आपको लॉन्ग टाइम तक रोकना है इसको, तो आप इस पे हेयर स्प्रे कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और प्लस मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि आप अगर इस टाइप के हेयर स्टाइल बनाते हो, क्योंकि मुझे तो भाई ये रफली बनाना था और मुझे ये ज़्यादा देर तक रोकना भी नहीं था, तो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको टिकाना है तो आप यहाँ पे हेयर स्प्रे कर लीजिए ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो ऐसे के ऐसे ही रहे। और ये बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न होती है कि मैम जो लाइनिंग होती हैं वो कैसे लेके आएँ। तो मेरे को आज ये कॉम वाला आइडिया आया तो आप लोगों के साथ शेयर किया, इसीलिए मैं कहूँगी कि ये कॉम वाला आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और मैंने यहाँ पे ये पीछे की साइड से, मेरे हेयर ज़्यादा लॉन्ग नहीं है तो इसलिए मैंने क्लेचर की मदद से यहाँ पीछे जूड़ा बना लिया, लाइक बन टाइप पर बना लिया वन रोल। इस टाइप की जो हेयर स्टाइल होते हैं ना वो आपके ऐसे डेली रूटीन में बनाने के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम एक हेयर स्टाइल करते करते बोर हो जाते हैं और समझ नहीं आता क्या करें। तो यहाँ पे मैंने ये इस टाइप का हेयर स्टाइल बना लिया जो कि अच्छा है, लेकिन डेली में यार कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए। और ये जो आगे की लटे हैं ना, छोटी छोटी सी जो लटे होती है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और मोस्टली गर्ल्स को पसंद होती हैं। तो अगर आपको भी इस टाइप से पसंद है तो आप ये कॉम की मदद से हल्की हल्की सी लटे निकाल लीजिए, काफ़ी अच्छा काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देती हैं। और इस टाइप से मेरा ये हेयर स्टाइल तैयार हो गया, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो इस टाइप की कोई हेयर स्टाइल बनाना और आपको अगर कंफ्यूजन है कि किस टाइप से मतलब लाइनिंग वगैरह निकालें, तो कॉम की मदद से लीजिए। कॉम जो होता है ये वाला जिसमें स्पेसिस ज़्यादा होते हैं, तो उससे बहुत अच्छे से लाइनिंग निकल आएगी। और अगर आप हेयर स्प्रे का यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे एक एक लाइनिंग आपकी बहुत क्लियरिटी से नज़र आएगी। तो आई होप ये हेयर स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए एक नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तैयारी करते हैं। तो फिर से वही कन्फ्यूज़न थी कि यार खोलना है फिर इसे बांधना है, तो मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी हम लोग सोचते रहते हैं कि करें क्या, वो अच्छा नहीं लग रहा, फिर दूसरा ट्राई करती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। इसके बाद मैंने ये कॉम लिया और उसके बाद मैंने अपने बालों पे रख के, मैंने पहले तो सोचा चलिए इसको वैसे साइड पफ बनाते हैं, फिर मैंने सोचा क्यों ना सेंटर पफ बना दिया जाए। तो मैंने सेंटर पफ की तैयारी की, फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सेंटर वाला जो पफ है वो थोड़ा सा हैवी दिख रहा है, मीन्स मेरा जो फेस है वो ओवल फेस है और उस पर और ज़्यादा ये हैवी सा नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसे रिजेक्ट किया। उसके बाद देखा यार इसमें लाइनिंग तो बहुत प्रॉपर नज़र आ रही है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी। तो फिर से मैंने एक बार ट्राई किया और फिर मुझे लगा यार अच्छा नहीं लग रहा। तो यार अगर आपके फेस पे ये हेयर स्टाइल अच्छा लगता है ना, क्या है ना ये ओवल फेस पे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं ये जो टॉप पे होते हैं, तो अगर आपका राउंड फेस है या डायमंड शेप है तो आपके फेस पे ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट मेरे फेस पे तो बिल्कुल भी अच्छा लग रहा। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ कैंसिल किया और ये पफ तो ऐसे यार रफली पहले हमने कॉम करके देखा, फिर देखा यार अब कौन सा देखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे ज़्यादा ना ये साइड वाले जो हेयर स्टाइल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने फिंगर को ऐसे रफली घुसाया और देखा तो यार इससे मजेदार वाला हेयर स्टाइल बन रहा था, मीन्स इसमें जो है लाइनिंग बहुत अच्छी से बनी थी। तो मैंने फिर से शुरू हो गई और फिर अब देखो अब आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने फिंगर की मदद से क्या करा, अपने हेयर स्टाइल बना दिया। जो लाइनिंग अभी तक हम कॉम से बना रहे थे, अभी तक हम कंघी से बना रहे थे, वो अब हम किससे करेंगे, अपनी फिंगर की मदद से। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग थिंग थी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बॉब पिन ली, बॉब पिन से ये इसको इस तरह से फोल्ड करने की कोशिश की और यार यहाँ पे ये वाला जो ट्रिक थी ये थोड़ी कैंसिल हो गई, मतलब ख़राब हो गई। इसके बाद मैंने सोचा
यार आइडिया तो हमें अच्छा मिल ही गया है, क्यों ना दोबारा से ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि यार कहते हैं ना कि बार बार कोशिश करोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, और मैं भी कितनी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक तो करते नहीं हो और ऐसे चले जाते हो, तो यार ऐसा मत किया कीजिए, प्लीज लाइक कर दिया कीजिए। तो यहाँ पे भी मैं भी अपने एफर्ट्स लगाते हुए मैंने दूसरी बार किया, और उसके बाद यहाँ पे बॉब पिन लगाना शुरू कर दी। तो अब की बार क्या है, अब की बार हम सक्सेस हो ही जाएंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ये बॉब पिन लगा दी है, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छे से लगानी है ताकि आपकी जो लाइनिंग है या फिर कह लो लेयर जो है वो निकल ना जाए, ठीक है। अब बाकी की जो ये नीचे के हेयर बचे थे इन्हें भी मैंने साइड से पकड़ लिया, और फिंगर को बना लिया है कॉम। और हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हल्का सा ऐसा ट्विस्ट टाइप में करेंगे, बिल्कुल लाइट वे में, और यहाँ पे कर देंगे हम बॉब पिन। तो मैं यहाँ पे बॉब पिन लगाऊंगी, पहले देख लेते हैं यार कैसे सही लगेगा, क्योंकि जब तक अच्छा नहीं लगेगा ना तब तक बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पहले देख लो कि आपके फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल बढ़िया जा रहा है, उसके बाद हम इसे करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे ऐसे करके ठीक लग रहा था, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें हमें। तो देखो अब यहाँ पे हमें लाइनिंग निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको इस पे जो लाइनिंग है वो प्रॉपर दिखानी है तो आपको हेयर स्प्रे का यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या था कि मुझे डेली में बनाना है तो मुझे हेयर स्प्रे नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप हेयर स्प्रे करते हो तो वो ज़्यादातर ऐसे होता है कि आप पार्टी में जा रहे हो या कोई फंक्शन में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपके हेयर स्टाइल बिल्कुल भी बिगड़े ना, या फिर बाल ऐसे उड़े उड़े से ना लगे कौए की तरह। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे को तो नॉर्मली करना था, तो इसीलिए मेरे को तो ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। और साथ ही मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप किसी भी टाइप के हेयर स्टाइल या फिर कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। और बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो दिखा सकें। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, देखो मेरा एक फाइनल लुक देख लीजिए कि किस टाइप का लुक आया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लड़कियों को ना एक स्टाइल मानना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसे आप कुछ भी कहिए, हमारा एटीट्यूड कीजिए या फिर कुछ भी वर्ड है बार, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे नाम होते हैं हम लोगों के, क्या ही बोलूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ये हेयर स्टाइल मैंने बनाया तो मुझे तो बहुत फंकी सा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि प्रेसिंग करने का जो तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए। हम करने वाले हैं हेयर स्टाइल, और हेयर स्टाइल में सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि यार हम प्रेसिंग कैसे करें। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ किस तरह से प्रेसिंग करना है। सबसे पहले आपको सेक्शन डिवाइड कर लेने हैं, ओके। उसके बाद एक पतली सी लेयर लेनी है ताकि आप अच्छे से इसको स्ट्रेट कर पाओ। और सबसे पहले देख लेना है मशीन का टेम्परेचर। यहाँ पे हमने 230 का टेम्परेचर रखा है, क्योंकि इनके हेयर ऑलरेडी इस तरह से स्ट्रेट हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके हेयर कर्ल हैं तो आपको टेम्परेचर 230 ही रखना है, और अपने प्रेसिंग को 2 से 3 बार अच्छे से एक ही लेयर पे करते जाना है, ओके। तो इस तरह से मैं भी करते चल रही हूँ, सेम प्रोसेसिंग रहेगी आप लोगों के लिए भी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आपकी एक लेयर कंप्लीट हुई, उसके बाद दूसरी लेयर निकालनी है। और इसी के साथ वीडियो को फुल वॉच करने के लिए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए पार्लर ऑफ द वर्ल्ड, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक एक चीज़ें बताई गई है कि किस तरह से आपको प्रेसिंग करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे एक न्यूज़ से, तब तक बाय, टेक केयर।